स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रयास में। और आज का हमारा जो विषय है वो है कि हठ योग किस प्रकार से ब्रह्मचर्य रक्षा में सहायक हो सकता है। और ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि आज की परिस्थिति समय के अनुरूप और आपकी स्थिति के अनुरूप अगर आपको ब्रह्मचर्य में स्थित होना है तो आपको हठ योग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हठ योग में ऐसी बहुत सारी क्रियाएँ, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंद इत्यादि हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं या हम उस अवस्था में जा सकते हैं जिससे कि उस स्तर से हम ऊपर उठ सके जहां पर हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। तो आज हम क्या समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे बैठने का तरीका और वो क्या कारण है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से भी देखते हैं तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो स्पाइन है, वो अगर इफेक्ट हो जाती है, अगर उसके मध्य से निकलने वाली नाड़ियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ जाता है तो वो संस्थान या फिर वो अंग ठीक से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि यहीं से सारा कुछ पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। तो आप इस प्रकार से समझें जैसे कि हमारी लंबर वर्टिब्रा में जो नस नाड़ियां निकलती हैं, अगर वो वहां पर उन पे दबाव पड़ जाता है तो उसके कारण ही हमारे पैरों में सुनसनाहट आना शुरू हो जाता है। हमारे पैर सुन रहेंगे, कार्य ठीक से नहीं करेंगे, दर्द होना शुरू हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर समस्या है, पैर में समस्या नहीं है, यहां पर समस्या है, तो पूरी हमारी पैर पर उसका प्रभाव दिख रहा है। इसी आधार पर जो हमारी सैक्रम बोन होती है वहां से निकलने वाली नस नाड़ियां अगर ठीक से उन स्थानों तक नहीं पहुंचती हैं या फिर उन पर किसी प्रकार का दबाव होता है या फिर उसका ठीक प्रकार से पोस्चर नहीं रहता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित होता है। उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको पहला आसन बताऊंगा, ब्रह्मचर्य आसन, आपको मैं आगे बताऊंगा पश्चिमोत्तान आसन, और उसके बाद दो आसन योग मुद्रासन इत्यादि भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप ठीक प्रकार से समझ लें कि कैसे करना है। और एक और बात, अगर आपने अपनी स्पाइन को ठीक नहीं रखा, नहीं रखा, अब सीधा स्पाइन को रखने के लिए आप छोटी सी बात और समझ लें। अगर आप इस प्रकार से बैठे हैं सुखासन में तो मेरी स्पाइन स्ट्रेट है क्योंकि अभ्यास है, क्योंकि दीर्घ काल तक योग अभ्यास करते हैं, निरंतर करते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक स्तर पे हैं, जिन्होंने कभी योग अभ्यास सही से नहीं किया है, नहीं समझा है इन चीजों को, तो वो कैसे बैठते हैं? जैसे ही आपके पैर ऊपर आते हैं तो आपकी स्पाइन हल्की सी नीचे जानी शुरू हो जाती है। और जब ज्यादा समय तक आप बैठेंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि आप बैठ नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि इस प्रकार का आपको एक ब्लॉक ले लेना है और उस ब्लॉक को आपको अपने इस प्रकार से नितंब के नीचे ऐसे रख लेना है। जैसे ही आप नितंब के नीचे इस ब्लॉक को रखेंगे तो आप एकदम से अनुभव करेंगे कि आपका जो पोस्चर है, बैठने का जो तरीका है, वो इम्प्रूव भी हो जाता है और कंफर्टेबल भी हो जाता है। ये बैठने की हमारी एक सरल सहज स्थिति है। इसको हम बिना ब्लॉक के भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिद्धासन जब आप ठीक से समझ लेंगे सिद्धासन में कैसे बैठना है तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक सिद्धासन का अभ्यास नहीं है तब तक इस प्रकार से भी आप बैठ सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं या फिर आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, अगर कभी बैठ के पढ़ भी रहे हैं तो भी सीधी स्पाइन करके अगर बैठना है तो इस प्रकार से इस ब्लॉक को नीचे रख लें और उसके बाद आप सहज तरीके से बैठ सकते हैं। तो एक बात हुई, इससे आगे मैं अगर थोड़ा सा बढ़ता हूं तो मैं आपको बताता हूं ब्रह्मचर्य आसन के विषय में। तो ब्रह्मचर्य आसन आपको रोज करना है। कितनी देर तक करना है? लगभग 3 मिनट, 4 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ा करके 10 मिनट तक ले जाएं। उसको करने के लिए अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन की स्थिति में आकर के सहज बैठना है और इसके बाद आपको करना क्या है, अपने पैरों को बाहर की तरफ ले जाना है। नीज आपके एक स्थान पर रहेंगे, आपस में मिले हुए ही रहेंगे, इनके बीच में ऐसे गैप नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने पैरों को इस तरह बाहर निकाल लेना है। और पहले ही इनको बाहर की तरफ यूं नहीं करना है, पहले इनको बाहर निकाल के जस्ट आप रख लें। कारण क्या है उसका, कि अगर आप इन्हें तुरंत ही ऐसे करेंगे तो कई बार आपका उतना अभ्यास नहीं है और आपका जो है ये यहाँ पर पूरा प्रेशर आएगा, नीज में आपके पेन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इसको आप पहले बाहर की तरफ ही रखें, इसको भी आप बाहर की तरफ रखें और पहले बीच में बैठ जाएं। जैसे ही आप बीच में यहाँ पर ऐसे बैठते हैं तो आपको करना क्या है, नीज मिला करके रखने हैं और पूरे आपके नितंब, आपके हिप्स जो हैं वो पूरा मैट पर लगे हुए होने चाहिए। आपके पैर जो हैं वो बाहर की तरफ पूरा होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी पेल्विक रीजन की मसल्स जो हैं सीधी टारगेट होंगी, सीधा उन पर इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होगा कि आपके नीज जो हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी स्पाइन स्ट्रेट करने में बहुत
सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। इस आसन में बैठ करके गहरे लंबे सांस लेंगे तो पूरे शरीर में प्राण का जो है संचार अच्छे से होगा और आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और सीधा सीधा जो इफेक्ट करता है वो आपके जननेन्द्रिय को या फिर जननेन्द्रिय संबंधित कोई भी समस्या है, मन पर नियंत्रण भी होगा, स्वप्न दोष की समस्या है, उन चीज़ों में ये लाभ करेगा। ऐसे थोड़ी देर बैठना है, उसके बाद अपने पैरों को बाहर की तरफ करना शुरू कर देना है। अब देख रहे हैं, अब मेरा पैर पूरा बाहर की तरफ मैंने घुमा करके ऐसे रख लिया। अब इस तरीके से दूसरे पैर को भी लेंगे और आराम से ऐसे आप रख लेंगे। अब दोनों पैर आप देख सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में होनी जरूर चाहिए कि आपके पैर ऐसे आ जाएं। और ऐसा नहीं है कि दर्द की स्थिति में है, समस्या हो रही है तब आप कर रहे हैं, सहज बिल्कुल आपको इस स्थिति में आना है और बैठना है, दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है और एकाग्रता से आप चाहे कोई चिंतन करें, चाहे स्वाध्याय मनन करें, आप चाहे प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान तो आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको असहज तो अनुभव होगा। अगर आपको इस आसन को करने में मुश्किल होती है, कठिनाई पड़ती है, तो कमेंट के माध्यम से बताएं इस आसन को करने के लिए जो सरल आसन है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ आपके जो भी मार्गदर्शन होंगे, अगर कोई आसन आपसे नहीं हो रहा है तो हताश नहीं होना है, उस आसन को मैं आपको निश्चित रूप से सिखा दूंगा क्योंकि एक आसन तक पहुंचने के लिए उससे प्राथमिक कुछ आसन होते हैं जो उस आसन तक आपको आराम से पहुंचा सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य आसन में आपको 10 मिनट तक बैठने का अभ्यास अपना बना लेना है। इससे थोड़ा और आगे मैं बढ़ूं तो क्या करना है आपको, दूसरे आसन में जाने के लिए अपने पैरों को पहले एक एक करके सामने की तरफ ले आना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण आसन है, करने के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दंडासन अर्थात आपकी स्पाइन बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी, पैर आपके बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे होंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, सांस को पहले अंदर भरना है। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है इस तरीके से ये वाली बेंडिंग, यानी कि जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं सामने की तरफ जा करके हमको आसन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका यहां से लंबर वर्टिब्रा के अपर लंबर वर्टिब्राज पे जो है बेंडिंग हो रही है या फिर थोरेसिक से ऐसे बेंडिंग हो रही है, कंधे आपके सामने की तरफ इस तरह से झुक गए हैं, तो आसन पूरा गलत हो जाएगा। यहां से पेल्विक से आपको फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना है। अगर ये नहीं हुआ तो ये ब्रह्मचर्य के लिए कोई भी उपयोग नहीं रखेगा। अगर आपने बारीकी नहीं समझी, क्योंकि बहुत सारे बंधु कहते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य में फायदा नहीं हो रहा है, आसन का अभ्यास भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं होगा जब तक उस आसन को करने की ठीक विधि नहीं समझोगे। करना कैसे है, सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाना, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले गए और जब आप हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं तो पूरा आपने सांस अंदर भर लिया। यहां पर आपका सांस अंदर है और यहां से आपको सांस बाहर छोड़ते हुए आगे जाना है। जाना कैसे है, सबसे पहले गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, शोल्डर्स को और थोड़ा ऊपर खींचना है, गर्दन को थोड़ा सा सामने उठाए उठाए, गर्दन को नीचे नहीं करेंगे, पूरा सामने रखेंगे और धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। अब जैसे 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 नीचे आप जा रहे हैं वैसे वैसे सांस आपका बाहर आना शुरू हो जाना चाहिए। अब यहां तक आते आते सांस पूरा बाहर और आकर के आपको अंगूठों को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के आपको फिर यहां से पैरों को पीछे की तरफ खींचना है। पैरों को पीछे खींचेंगे तो ये पूरा आपका टाइट होगा और यहां से जो आपका फैशिया है वो रिलीज होगा, उसकी पूरी जो उसके पीछे कारण है वो बताऊंगा। ऐसे आते हुए आपने अंगूठों को पकड़ना है, थोड़ा सा खींचना है और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए कुछ समय रुकना है, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस फिर यहीं पे आ जाना है और दंडासन की स्थिति। तो ये यहाँ पर आपका एक चक्र हुआ। इसी तरीके से जितना आप रुक सकें उतना करें, एक बार फिर से सांस अंदर भरेंगे, फिर से आगे जाएंगे और फिर से रुकेंगे। अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको समस्या कहाँ कहाँ हो। पहली बात तो ये है कि आपका जो पेल्विक है वहाँ पर स्टिफनेस है, वो इतना सरलता से आगे जाएगा नहीं, ऐसा हो सकता है। जितना जाता है, जिसका जाता है वो अच्छी बात है। कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपका पश्चिमोत्तान आसन ठीक से हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो वो भी हम आगामी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अब अगर आपसे सही से हाथ नहीं जा रहे हैं तो इस प्रकार की कोई आपको एक बेल्ट ले लेनी है, इसको आपको लेकर के अपने पैरों में इस तरह से पहले ही यूं डाल लेना है, पकड़ना है और धीरे धीरे कोशिश करनी है। करनी कैसे है, सांस को पूरा अंदर भरना है, सांस को पूरा बाहर छोड़ना है और आगे जाना है, फिर सांस अंदर लेना है, फिर वापस ऊपर, फिर आगे जाना है, फिर रुकना है यथाशक्ति, फिर वापस ऊपर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आगे जाते हुए सांस बाहर, पीछे जाते हुए सांस अंदर, और आपको कभी भी ये ऐसे मुड़ के नहीं जाना है। कम होता है कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे करके अगर गलत तरीके से करोगे वो
आपको तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इस चैनल के माध्यम से मार्ग को ये है कि किसी तरह की कोई जल्दी नहीं करनी है। अगर एक महीने में एक आसन भी आपका सिद्ध होता है, एक आसन भी आप ठीक से समझ लेते हैं, तो वो भी पर्याप्त है। बस समझें ये कि अगर ब्रह्मचर्य में लाभ चाहिए तो आसन को सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। बाकी अगर आपको केवल सामान्य स्वास्थ्य के लिए करना है तो थोड़ा सा आप बेतरतीब भी करेंगे तो मिल जाते हैं लाभ। लेकिन अगर इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो ये ऊर्जा की बात है, ये नाड़ियों की बात है, क्योंकि हठयोग के सिद्धांत नाड़ियों के हैं और जो ऊर्जा पूरे शरीर में संचारित होती है ब्रह्मचर्य के माध्यम से वो नाड़ियों के माध्यम से होता है। तो नाड़ियों पर कार्य करना है तो आपको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं सज्ज हूँ, थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखो। अगर कोई अच्छी चीज़ अपने जीवन में अवतरित करनी है तो समय का निवेश करना पड़ता है। हमने सालों लगाए हैं, आपको कुछ मिनटों में अगर लाभ मिल रहे हैं तो उसको आप अपना सौभाग्य समझें। तो अभी के लिए केवल ये दो आसन आपके लिए हैं। सबसे पहला आसन मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य आसन, उसके बाद मैंने आपको बताया पश्चिमोत्तान आसन। आगे के जो मैंने आसन आपको कहे थे वो इसके अगले भाग में आएंगे, क्योंकि ऐसे मैं पूरा बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए ये दो आसन करने हैं, लेकिन ठीक विधि से करने के लिए मैंने आपको बताया बैठने के लिए इस प्रकार की ब्रिक का, ब्लॉक का आपको प्रयोग करना है, वो श्रेष्ठ है। और धीरे धीरे मैं और चीज़ें बताऊंगा, सिद्धासन का अभ्यास किस तरह से कैसे करना है वो थोड़ा सा विस्तार से इसमें हम बताएंगे, और दूसरे कुछ ऐसे आसन हैं जिनको समझने के बाद ब्रह्मचर्य सरल हो जाएगा आपके लिए, आपको बड़ी अच्छी अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और इसी दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज के लिए ये दो आसनों का मार्गदर्शन है, जो कोई कठिनाई होती है बताएं ज़रूर, उस पर कार्य होगा और उसको आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मार्गदर्शन आप समझें, भविष्य में और महत्वपूर्ण विषयों के लिए ये श्रृंखला पहले ब्रह्मचर्य की चलेगी, अगली वीडियो भी आपको ब्रह्मचर्य की प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझें, देखें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, सभी के लिए प्रार्थना, ओम नमः शिवाय।